दी ऑब्वियस हैज हैपेंड और पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच एक इनिंग्स और 47 रन से हार गई है। कल जब स्कोर 152 for 6 था तो आज बस दो ही चैलेंजेस थे कि क्या पाकिस्तान लंच तक इनिंग डिफीट को अवॉइड कर सकती है और क्या ये इनिंग्स डिफीट अवॉइड कर सकती है 267 तक पहुंच के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दोनों में से कुछ नहीं कर पाई। दिन का पहला घंटा आमिर जमाल और सलमान अली आगा ने संभल के खेला, हालांकि कुछ अपॉर्चुनिटीज दिए लेकिन इंग्लैंड उन्हें ग्रैब नहीं कर पाई और उसके बाद ऐसा लगा कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। पिच बिल्कुल डेड तो थी ही लेकिन फास्ट बॉलर्स को थोड़ा बहुत जो रिवर्स और थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था वो भी बंद हो गया। तो फिर एक चांस जगा कि शायद पाकिस्तान अब इनिंग्स डिफीट को अवॉइड कर लेगी और शायद लंच तक खेल भी जाएगी। लेकिन तब बॉलिंग पर आए जैक लीच और उन्होंने आते ही पहले ओवर में एक सीधी बॉल पे सलमान अली आगा को आउट कर दिया। सलमान अली आगा जो इस टेस्ट में पाकिस्तान के डेफिनेटली बेस्ट बैट्समैन रहे, जिन्होंने पहली इनिंग्स में एक नॉट आउट सेंचुरी बनाई और दूसरी इनिंग्स में टॉप स्कोरर रहे 63 रन बनाकर, और उनके डिसमिसल के बाद टेल एक्सपोज हो गया। शाहीन शाह अफरीदी जो काफी टाइम से अपने आप को एक ऑलराउंडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ 10 रन बनाकर सीधे कॉटन बॉल हो गए और उसके बाद नसीम शाह आए, आते ही एक छक्का जड़ा और फिर वही शॉट री अटेम्प्ट करने में स्टंप आउट हो गया। आमिर जमाल दूसरी इन एंड पे 55 नॉट आउट रहे और अबरार अहमद साहब अभी तक हॉस्पिटल में ही है। भाई कैसी दुनाई कर दी है इनकी। एनीवेज एक डिसअपॉइंटिंग डिफीट, ये 100+ ईयर्स की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई टीम 500+, इनफैक्ट यहाँ तो 550+ बना के इनिंग्स से हारी हो। हारी है टीम्स लेकिन इनिंग्स डिफीट आफ्टर स्कोरिंग 500+ रन्स इज रियली रियली शेमफुल। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को लगता है कि हमारी टीम कुछ घटिया कर चुकी है, पाकिस्तान टीम कहती है कि रुक जाओ अभी हम उससे भी बढ़ के कुछ करके दिखाते हैं। अब ये जो डिफीट है ये साइकोलॉजिकली आप सोच सकते हैं कि प्लेयर्स पे कितना असर करेगी। जब पहली इनिंग में 3 प्लेयर्स ने सेंचुरी बनाई हो, आपने 550+ बनाया हो और फिर आप इनिंग से हार जाओ, वो भी पांचवें दिन, मुश्किल से 1.5 घंटे का खेल हुआ है और हर दिन जितने ओवर्स के लॉस हुए थे अगर आप लिटरली देखो तो शायद 4 दिनों में पाकिस्तान एक इनिंग से हार गई डिस्पाइट स्कोरिंग 550। तो आप सोच सकते हो कि अगले टेस्ट मैच में ये मेंटल स्कार कितना काम करेगा। उन्हें लगेगा कि अगर हम 400-500 बनाएंगे तो भी हम हार जाएंगे और सोने पे सुहागा। अगला टेस्ट भी मुल्तान में ही है, भाई साहब क्या क्या होने वाला है आप सोच सकते हो। बांग्लादेश के खिलाफ जब पाकिस्तान टीम हारी तो लगा कि शायद ये एक वन ऑफ चीज है कि रावलपिंडी में 146 पे पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन ये तो अब रेगुलर हो चुका है। पाकिस्तान टीम सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स पे कोलैप्स कर रही है और हर बार कर रही है। क्यों कर रही है, ये मेंटल स्कार है या क्या प्रॉब्लम है ये समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के सारे बैट्समैन सेकंड इनिंग्स में आके उल्टे सीधे शॉट्स खेलते हैं और शायद ये साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डाउन है और मेरे ख्याल से इनमें से कई प्लेयर्स को अब ड्रॉप कर देने का काम है और नए प्लेयर्स को इस टीम में लाना चाहिए, अदरवाइज ये डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा। ये साल पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का मेरे ख्याल से अब तक ये वर्स्ट ईयर रहा है जिसमें पाकिस्तान हर जगह ह्यूमिलिएट हुआ है। आयरलैंड से हारा, यूएसए से हारा, न्यूजीलैंड की आई वुड से सी टीम से अपने होम में सीरीज ड्रॉ कर पाया बड़ी मुश्किल से। साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड से उनके होम में सीरीज हारा था, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक टेस्ट मैच इस साल हारा है, होम में बांग्लादेश और अब इंग्लैंड के साथ चौथा टेस्ट मैच इन अ रो हारा है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम अपने वर्स्ट फेज पे है और पाकिस्तान क्रिकेट के जो मैनेजमेंट है, जो कैप्टन है शान मसूद, एक अलग नमूने ही साबित हुए हैं अभी तक। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बहुत कैप्टेंसी उनकी सही हुई थी लेकिन ये 3 होम टेस्ट मैचेस में जिस तरीके की उनकी नेगेटिव कैप्टेंसी रही है, बस बैटिंग के समय तो वो थोड़ी अग्रेसिव खेलते हैं लेकिन जब पाकिस्तान टीम की बॉलिंग चल रही होती है तो उस समय ऐसा लगता है कि उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जेसन गिलेस्पी साहब जो कोच बन के आए हैं वो भी एक वाहियात हरकतें कर रहे हैं, उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मोहसिन अली नकवी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के चेयरमैन एक से बढ़ के एक नमूने रहे हैं लेकिन मोहसिन अली नकवी मेरे ख्याल से वर्स्ट एवर चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट के, जो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं मैंने तो सलूशन ढूंढ लिया है जी, हम सर्जरी करेंगे। नहीं नहीं, सर्जरी की जरूरत नहीं है, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलेंगे। कभी कहते हैं वहब रियाज सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कभी कहते हैं वकार यूनिस सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मेरे ख्याल से वो आदमी को दिमागी इलाज की जरूरत है। वो इंटीरियर मिनिस्टर कैसे हैं मुझे पता नहीं लेकिन पीसीबी चेयरमैन का काम उन्हें एक रत्ती नहीं आता और मेरे ख्याल से उनकी जगह पे किसी
ढंग के आदमी को उस पोस्ट पे होना चाहिए जो इन चीजों को हैंडल कर सके। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में क्यों हो रही है, हो भी पाएगी कि नहीं, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन ये आदमी अगर उसकी मैनेजमेंट कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो मैनेजमेंट भी घटिया ही होगी। एनीवेज, अब पाकिस्तान क्रिकेट इतनी नीचे जा चुकी है, अगला टेस्ट भी अब 4 दिनों बाद मुल्तान में शुरू हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अनलेस एंड अनटिल कोई फ्रेश ब्लड टीम में आता है, मेरे ख्याल से मीर हमजा को तो डेफिनेटली वापस आना चाहिए और मोहम्मद हुरैरा को। कामरान गुलाम की भी जगह टीम में बनती है, लेकिन कौन उनकी जगह हटेगा, क्योंकि बाबर आजम को ड्रॉप करना एक बड़ा डिसीजन है। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में शान मसूद साहब ने कहा है कि नहीं, बॉब्जी द किंग हमारे बेस्ट प्लेयर हैं और ही इज वन इनिंग्स अवे। अब वो इनिंग कब आएगी पता नहीं, क्योंकि 18 टेस्ट इनिंग्स हो गई है, 50 भी नहीं आया है। जब विराट कोहली का भी खराब फेज आया था तो वो 50s तो कर रहे थे, उनका 100 नहीं आ रहा था। अगर आपको याद हो तो 2020 में भी वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक ही टेस्ट मैच खेले थे जिसमें वो 74 बना के गए थे। 2021 में भी इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में भी 80 किया था और फिर इंग्लैंड भी जाकर के वहां भी 250 किए थे। तो 50s आ रहे थे, 100s नहीं आ रहे थे, दैट वाज द कंसर्न। लेकिन बाबर आजम के साथ तो अलग ही बात है, 18 इनिंग्स से एक भी 50 नहीं आई है, 18 इनिंग से सिर्फ 366 रन आए हैं, मतलब 20-21 का एवरेज। ये तो एक टेलेंडर का, आप कह सकते हो किसी टीम में नंबर 8 बैट्समैन का ये स्टैट होता है, तो ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। और मेरे ख्याल से बाबर आजम को थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, अदरवाइज ये परफॉर्मेंस अब इतनी गिरती जाएगी। टेस्ट एवरेज भी उनका कहाँ, 50 होना चाहिए प्लेयर्स का या 50 के आसपास, इनका तो 43 का एवरेज पहुंच चुका है, T20 एवरेज भी 40 का पहुंच चुका है, तो सारे एवरेज बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर रहे हैं। टॉप 10 से तो ये बाहर हुए ही थे टेस्ट रैंकिंग में, इसी तरीके की परफॉर्मेंस आएगी तो ये टॉप 20 टॉप 30 से भी बाहर हो जाएंगे, और फिर वापस आने के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बड़े बड़े टूर आने हैं, साउथ अफ्रीका का टूर आना है, पता नहीं अभी पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली अगर नए फेसेस अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए तो पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगी। कीप वॉचिंग गाइज, थैंक यू।